हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आलोक। टुडे आई विल बी डिस्कसिंग द इंपॉर्टेंट लेवल फॉर बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। कल बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करेगा हम वो देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट क्या रेंज डिसाइड करेगा। देखिए मार्केट में क्या है कि अभी रेंज जो चल रहा है वो 42,700 से लेके 41,800 का जो लेवल है वो एक रेंज चल रहा है और मार्केट इसी रेंज में बिहेव कर रहा है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए मार्केट में कुछ भी चेंज नहीं होता है। देखिए आप फ्राइडे का मार्केट को देखिए और आज का मार्केट को देखिए, एकदम डिट्टो सेम है। तो मार्केट में कभी कुछ नया नहीं हो सकता है क्योंकि ह्यूमन नेचर कभी चेंज नहीं होगा। ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होगा तो मार्केट कभी चेंज नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जहां पे हम ये डिसाइड करेंगे कि इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम देखेंगे कि मार्केट में देखिए क्या होता है कि ना कि तीन कंडीशन बनते हैं। ठीक है, मार्केट में क्या है, तीन कंडीशन बनेंगे। या तो मार्केट क्या होता है कि इस लेवल में खुल जाए, ठीक है, या तो मार्केट क्या होगा कि गैप अप हो जाए, सेकंड कंडीशन, या फिर मार्केट क्या होता है, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा कि यहां से गैप डाउन हो जाए। तो हमें क्या है, तीनों के लिए ही प्रिपेयर रहना है कि कहां पे क्या सिचुएशन बनेगा। अगर मार्केट इसी लेवल में खुलता है, ठीक है, और इस वाले लेवल को क्लियर करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉल बाय करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे 42,000 क्या लेवल रहेगा, 42,000 का लेवल। ठीक है, लिख लीजिए, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। ठीक है, और अगर मानते हैं कि मार्केट यहां से इस वाले लेवल को तोड़ देता है 41,900 वाले लेवल को, तो यहां से कंफर्टेबल पुट पोजीशन क्या हो जाएगा, फिर 41,900 का लेवल, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या होता है, गैप अप हो जाता है, तो गैप अप हो जाएगा या फिर गैप डाउन हो जाएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन में एक साथ बता रहा हूं, अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना है, वहां पे प्राइस एक्शन का वेट करना है। 10, 15, 10, 15 तक कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, लिख लीजिए 10-15 तक यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का। ठीक है, गैप डाउन में मैं एक पॉइंट बताना जा रहा हूं आप लोगों को, वो ये है कि अगर मार्केट डायरेक्ट 41,800 के पास खुलता है तो यहां से कंफर्टेबल सी का पोजीशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंफर्टेबल सी का पोजीशन। ठीक है, तब ऊपर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, 42,200, लिख लीजिए 42,200, फिर कौन सा लेवल हो गया 42,000, फिर कौन सा लेवल 41,000, फिर नीचे के लिए कौन सा लेवल हो गया 41,800। ये हमारे लिए चार इंपॉर्टेंट लेवल हो गया और एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं अभी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस वाले लेवल को, ये जो लेवल है वो है 41,600 का लेवल। क्या है कि देखिए मार्केट ने यहां पे भी एक मूवमेंट दिखाया था, यानी कि सपोर्ट लेवल, और यहां पे भी ये आ सकता है टेस्ट करने के लिए। यानी कि अगर मार्केट मान लीजिए इतना गैप डाउन हो जाता है कि 41,600 के पास खुल जाता है तो ये हम लोग के लिए क्या है, जैकपॉट ट्रेड साबित हो जाएगा कि यहां से हम लोग आंख बंद करके क्या करेंगे, एक कॉल बाई कर लेंगे। क्या करेंगे, एक कॉल बाई कर लेंगे। ये मेरे तरफ से एक बोनस ट्रेड रहा, मैंने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझा दिए, इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझाया, क्या ट्रेड है, लेना है, क्या साइकोलॉजी होगा उसके पीछे, सारे चीज को समझा दिया। मेक श्योर आप कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एडिशन में, तब तक के लिए ओके बाय।